Good morning, students. Today we will learn about the next topic of rural sociology, that is the social institutions. Social institutions hoti hain, that is created by man from social relationships in the society. Kis liye? To meet their basic needs and stability, law, order, defined role of authority and decision making. इनको हम ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल सकते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं सर्टन रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स. उनके जो रूल्स होंगे या रेगुलेशंस होंगी, ट्रेडिशंस होंगी, यूजेस होंगी, उनको हम द यूजेस एंड द रूल्स उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस. So these are the form of procedure which are recognized and accepted by society and govern the relationship between individual and groups. So coming to the definition of the social institutions, Woodward and Maxwell ke according kya hai? Ek institution is a set of folkways and mores into a unit which serve a number of social functions. According to Horton, an institution is an organized system of social relationships which embodies certain common values and procedures and meets certain basic needs of the society. And according to Landis, social institutions are formal cultural structures revised to meet basic social needs. एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सबसे पहले इंस्टीट्यूशन बनाई जिसके लिए जाती है टू कंट्रोल द इंडिविजुअल्स. दे आर मीन्स टू कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स. सेकंड, जो इंस्टीट्यूशंस है दैट डिपेंड अपॉन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ मैन. उसमें जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज बी विल बी गवर्न बाय अ not only a single man but by a number of men with their collective activities. Unke definite procedures hoenge institutions ke, aur un procedures ka kya hoega? Basis hoega. Kya basis hoega? On the basis of certain dogmas and customs. और जो इंस्टीट्यूशंस दैट शुड बी स्टेबल इन कंपैरिजन टू द अदर सोशल कंट्रोल मेजर्स. और हर इंस्टीट्यूशन के क्या हुए कुछ रूल्स होते हैं जो कि ओबे करने होते हैं बाय द इंडिविजुअल्स, दैट इज कंपल्सरी टू ओबे. तो रूरल सोशियोलॉजी में जो पांच मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो है पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, फैमिली एंड रिलीजन. पॉलिटिकल में आती हैं जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है वो क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. उसका काम क्या है? गवर्न करना या रेगुलेट करना लॉ एंड ऑर्डर और सोसाइटी में सिक्योरिटी को मेंटेन करना. और एक गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी? दिस विल डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी. अब जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डिवेलपमेंट वर्क्स, डिवेलपमेंट किसी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स के, जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बना रही है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही
गवर्नमेंट किसकी हेल्प करती है? पंचायत की, एट द डिफरेंट लेवल्स। और जो पंचायत है ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसको हम बोलते हैं। सो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और एजुकेशन जो है घर से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर ये कहाँ से होती है? फॉर्मल एजुकेशन, जैसे हमारी कॉलेज क्या है, दैट इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन क्या हेल्प करती है? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, ताकि वो एक सोसाइटी के अच्छे मेंबर बन पाएँ। दिस इज़ द मोटो ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो मेंटल हॉरिजन है वो ब्रॉडन हो, उसकी विजन ब्रॉडन होए, और जो नए आइडियाज़ हैं उनके लिए वो रिसेप्टिव रहे, मतलब नई नई चीज़ें वो सीखे, नई स्किल्स सीखे, नए आइडियाज़ को वेलकम करे और अपने आप में चेंजेस लेके आए, और विजन जो है वो वाइडन हो। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक प्रोवाइड क्या है? बेसिक फिजिकल सीक्वेंस ऑफ द सोसाइटी बाय मीटिंग द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, नेसेसरी सप्लाई, सर्विसेज। सो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हैं उसमें क्या है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मार्केटिंग है, क्रेडिट है, बैंकिंग सिस्टम है, कोऑपरेटिव्स है, ये सारे जो इकोनॉमिकली सोसाइटी की नीड्स जो हैं या नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए इकोनॉमिक हेल्प। तो फैमिली, फैमिली क्या है? द मोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूशन इन अ सोसाइटी। इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप दैट इज वर्केबल एंड डिपेंडेबल वे ऑफ मीटिंग बेसिक सोशल नीड्स। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम है, इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, बिलीफ इन इन सुपर नेचुरल पावर। जैसे रिलीजन जो है इसमें बिलीफ से रिगार्डिंग द अल्टीमेट पावर ऑफ द यूनिवर्स, आइडियल एंड प्रॉपर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, सेरेमनीज, सेरेमोनियल वेज टू एक्सप्रेस दीज बिलीफ। जो रिलीजन है वो प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन फॉर द मोड्स ऑफ द सोसाइटी, टैबूज इन वेज कल्चर्स हैव रिलीजियस सेंशन। जो रिलीजन्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक इंडिविजुअल को, सो दैट ही कैन फेस इन क्राइसिस, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ विद स्ट्रेंथ्स एंड फोर्टिट्यूड। एक बंदे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं रिलीजन, इसके बिलीफ सिस्टम। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है, एक तो सेक्स रेगुलेशन, एक रिप्रोडक्शन एंड प्रपेचुएशन ऑफ द फैमिली एंड ह्यूमन रेस, एंड देन इज द सोशलाइजेशन कैसे करनी है, प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक मेंटेनेंस किस तरह से करनी है, लिवलीहुड जो है इन मैनी कल्चर्स हैं, प्रोविजन ऑफ लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल जितने भी उस फैमिली में हैं उनको किससे देनी है, प्रोविजन ऑफ क्लास स्टेटस टू द इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली इनटू व्हिच दे हैज बीन बॉर्न। सो डेफिनेशन ऑफ फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन क्या है? फैमिली अकॉर्डिंग टू बर्गेस एंड लॉके क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड, इंट्रैक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल ग्रुप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, मदर एंड फादर, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिएटिंग अ कॉमन कल्चर। ये है फैमिली। तो अकॉर्डिंग टू लाइफ एंड मैरिज के अकॉर्डिंग क्या है फैमिली? द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट दैट इज मेड अप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक फैमिली के कैरेक्टर से क्या होना चाहिए? फैमिली क्या है, ये मोस्ट यूनिवर्सल ग्रुप है। फैमिली जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको, और रेजिडेंसिस के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है पैट्रियर्कल फैमिली, इस फैमिली में क्या है, मेल इज द हेड ऑफ फैमिली और उसके पास सारी पावर्स होंगी,
वही क्या है, ओनर होगा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड राइट्स, उसमें सारे जो पर्सन्स आर लिविंग इन द फैमिली आर सब सबॉर्डिनेटेड, सब उसके नीचे होंगे। एक होती है मैट्रिचुअल फैमिली, मैट्रिचुअल फैमिली में क्या होती है, अथॉरिटी जो है इन द वीमेन हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पर वीमेन हेड होती है, जो मेल है वो सबॉर्डिनेटेड होता है, शी इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी रूल फॉर फैमिली, और दिस टाइप ऑफ फैमिली इज सेड टू बी टू प्रिवेल अमंग द प्रिमिटिव पीपल हू लीड अ वैंडरिंग और हंटिंग लाइफ। ठीक है, यहाँ जो प्रिमिटिव एरिया थी वहाँ पे प्रिमिटिव पीपल जो बहुत पुराने लोग थे वो वहाँ पे फीमेल वॉज द हेड। सो बेस्ड ऑन रेजिडेंस फैमिली हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, मैट्रिलोकल फैमिली या पैट्रिलोकल फैमिली। मैट्रिलोकल फैमिली में क्या होएगा, जो हस्बैंड वगैरह गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, कुछ एक कम्युनिटीज में थे हस्बैंड वाइफ के हाउस में जाएगा, लेकिन पैट्रिलोकल में थे वाइफ गोज एंड हाउस इन हिज हस्बैंड। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज द फैमिली इज क्लासीफाइड इज मोनोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस फैमिली। ये किस पे बेसिस पे है, मैरिज पे बेसिस। मोनोगैमस में क्या है, मैन जो मैरीज वन वूमेन ओनली एट वन टाइम। मोनोगैमस में, पॉलीगैमस में क्या है, इन दिस काइंड ऑफ फैमिली वन मैन मैरीज मेनी वूमेन एट वन टाइम। एंड पॉलीएंड्रस फैमिली में क्या है, दिस काइंड ऑफ फैमिली वन मैन मैरीज मेनी वूमेन एंड लिव्स विद ऑल ऑफ देम इन और ईच ऑफ देम अल्टरनेटिवली, दैट इज द पॉलीएंड्रस फैमिली। The family is also classified based on the ancestry, जैसे matrilineal family हो गई या patrilineal family हो गई। इसमें क्या है, matri मतलब woman, woman जो believes to be the ancestor of the family, और patrilineal में जो है जो father है उसको भी हम ancestry देते हैं। इसी तरह religion, religion में है इसको हम बोलते हैं कि supernatural में belief system है, जो set of beliefs है regarding the ultimate power in the universe। religion से जो क्या होता है, behavior, ceremonial way से religion जो है exist होता है। religion provide करता है foundation for the morals और society, जो हमने पढ़े थे taboos भी आते हैं culture के religious sanctions के साथ, और religion जो provide the means for the जो जो इंडिविजुअल है वो अप्स एंड डाउन्स में क्राइसिस में हाउ टू बिहेव दैट वी लर्न फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली एंड डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर टुडे।